सो गोवा के एक होटल के अंदर एक माँ ने अपने 4 साल के बच्ची की जान ले ली और उसके बाद उसे एक सूटकेस के अंदर बंद किया, उसके ऊपर कुछ कपड़े डाले और उसे गोवा से बेंगलोर ले जाने की कोशिश करी एक टैक्सी से, और फिर क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे आगे कहानी में। सो हे गाइस, इट्स मी धीरू मौंचिक और यह है मेरा सेकंड चैनल धीरू मौंचिक एक्स्ट्रा। जो आज हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं रीसेंट टाइम के, तुमने शायद न्यूज चैनल्स या फिर कुछ पेजेस वगैरह पे देख लिया होगा ऑलरेडी सोशल मीडिया पे कि क्या किस तरह से चीजें हुई हैं। सूचना सेन एक लेडी है जो बैंगलोर में रहती है, इनकी एक कंपनी है, एक कंपनी की सीईओ और फाउंडर है जिस कंपनी का नाम है माइंडफुल AI। यस AI, ये पिछले 8 साल से AI रिलेटेड काम करती आ रही हैं, मतलब AI रिलेटेड काम नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, इस सारे फील्ड में है। और जब मैंने इनके बारे रिसर्च करनी शुरू करी तो सबसे पहले मैं इनके इंस्टाग्राम पेज पे गया, वहां पे मैंने देखा कि ये ना भाई आर्ट वगैरह बहुत बनाती हैं, मतलब इनके जो पूरी प्रोफाइल है वहां पे इन्होंने फोटोज वगैरह पोस्ट कर रखी है और कुछ अपनी पेंटिंग्स भी कर रखी है, एंड ये पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी है, तभी इनकी कंपनी भी है। MSc कर रखा है इन्होंने इन फिजिक्स कोलकाता से, संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है। सबसे पहले तो तुम ये सुन के यही अंदाजा लगा सकते कि एक लेडी जो इतनी होनहार है, इतना कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, उसके दिमाग में और उसके मन में अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए इतनी घृणा कैसे पैदा हो गई। सो 6 जनवरी को सूचना अपने घर से गोवा के लिए निकलती है अपने बच्चे के साथ। देन ये लोग गोवा पहुंचते हैं, वहां जाके एक होटल रेंट करते हैं, होटल में स्टे करते हैं, फिर सब कुछ ठीक चल रहा होता है। देन 2 दिन बाद 8 जनवरी को सूचना होटल वालों को बोलती है कि मुझे बैंगलोर जाना है, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है। तो होटल वालों ने बोला ठीक है मैम, हम एयरपोर्ट तक के लिए तुम्हारे लिए टैक्सी अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन सूचना बोलती है नहीं, मैं फ्लाइट से नहीं जाऊंगी, मुझे कैब से जाना है, कैब के थ्रू जाना है। अब ये सुन के थोड़ा होटल वालों को लगा कि इसको जल्दी भी जाना है और कैब से जाना है, फ्लाइट से क्यों नहीं जाना है। तन इस चीज पे भी उन लोग ने इतनी गौर नहीं दी, उन्होंने उसके लिए कैब अरेंज करी। सो 1-2 घंटे बाद सूचना के पास कॉल आता है कि आपकी कैब मैम आ गई है, आप अब आके जा सकती हैं। तो सूचना वैसे ही करती है, वो आती है अपने रूम से निकल के, उसके पास 1 या 2 बैग होता है, वो अपना क्या कहते हैं चेकआउट कर रही होती है, तभी रिसेप्शन पे जो होता है वो पूछता है मैम आपका बच्चा कहाँ है। सो उसने ऐसे रिएक्ट कर दिया कि वो अकेले आई थी। अब होटल वालों ने भी इस चीज पे ज्यादा गौर दिया नहीं कि ये शायद किसी रिलेटिव वगैरह का बच्चा हो, इसका ना हो तो इसने दे दिया हो, इसलिए इसको याद भी नहीं है इतनी गौर से, तो हम ज्यादा वो नहीं करते हैं, पहले इसको जल्दी जल्दी जाना है। तो ये सब हो गया, चेकआउट होता है, कैब में वो जाके बैठती है, कैब वाले भैया से कहती है कि भैया मेरा लगेज है, जाके उठा के ले आओ। वो उठा के लाता है और गाड़ी की डिग्गी में रख रहा होता है। देन उसको रियलाइज होता है कि ये यार यूजुअली थोड़ा भारी है, मतलब इतना भारी सामान कहाँ क्या ही जाएगा, मतलब क्या होगा इसके अंदर। तो ड्राइवर को थोड़ा अजीब लगता है, कैब वाला जब कैब में आके बैठता है तो मैम से बोलता है कि मैम इसमें क्या अल्कोहल है क्या, जो जनरली पूछता है वो। ये तुम्हें बताते बताते मेरे दिमाग में आया, शायद ऐसा हो सकता है ना कि मैंने सुना है गोवा वगैरह में जो अल्कोहल सस्ता मिलता है, तो वहां से वो ये सोच रहा होगा कि अल्कोहल लेके जा रही है बैंगलोर के लिए, इसीलिए इसने कैब भी किया है, हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा हो। तो उसने उसके लिए मना कर दिया कि नहीं, उसमें जस्ट मेरा थोड़ा बहुत सामान है। तो कैब ड्राइवर ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया कि ये लेडी है, कुछ होगा वैसा ही सामान, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं। देन उस लेडी के प्लान के अनुसार सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तभी जब कैब वाला थोड़ी आगे जाता है, उसे एक कॉल आता है और वो कॉल होता है पुलिस का। सो पुलिस वाला उधर से बोलता है कि तुम्हारी कैब के अंदर कितने पैसेंजर है, तो कैब ड्राइवर बोलता है सर एक है। देन पुलिस वाला उधर से पूछता है कि कोई बच्चा भी है क्या, तो वो मना करता है क्योंकि बच्चा उसमें था नहीं, या फिर था। सो कैब वाला बोलता है कि एक पैसेंजर है सर। उसके बाद पुलिस वाला थोड़ी बहुत और चीज पूछता है। देन वो कहता है कैब वाला कि मैं सर आप मुझसे क्यों क्वेश्चंस करने जाता है, इन लेडी से ही पूछ लो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो कैब वाला उस लेडी को फोन देता है, वो बात करती है। तो उससे जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तुम्हारे साथ तो एक बच्चा भी होटल में आया था ना, तो जब पुलिस वालों ने ऐसा पूछा तो उसने बोला ओ मैं भूल गई थी, वो जो बच्चा है ना मेरा, जो बच्चा था मेरा ही था, रिलेटिव्स के यहाँ पे छोड़ दिया है और मैं जल्दी जल्दी में शायद ये सब होटल में बताना भूल गई। तो उसने ऐसे रिएक्ट किया कि ओ मतलब कि कुछ कोई बड़ी डील नहीं है इसमें। बट होटल में चीजें जो है इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज हो चुकी थी कि लेडी का सिर्फ इतना बोलने से ये जो सारा सीन चल रहा है ये दबाया नहीं जा सकता था। जब उस लेडी ने अपने होटल से चेकआउट किया था तब उसके बाद उसके रूम की सफाई करने कुछ लोग जब अंदर गए तो उन्हें रूम के अंदर ब्लड स्पॉट्स मिले जगह जगह पे। पहले उन्हें लगा हो सकता है इसके चोट वगैरह लगी हो लेडी के, कोई छोटा वोटा उसका खून होगा, बट वो थोड़े अलग अलग जगह पे जब मिले स्पॉट्स तो उन्हें थोड़ा शक हुआ। और शक तो पहले से ही था कि बच्चा कहाँ है, ये लेडी झूठ क्यों बोल रही है। फिर उन्होंने होटल वालों ने CCTV फुटेजेस चेक करी, जब CCTV फुटेजेस चेक करी तो वो लेडी अपने बच्चे के साथ आई थी बट गई नहीं थी, या फिर गई थी बच्चे की उसने जान ले ली थी। और वो बच्चा था उस बैग के अंदर, जो बैग कैब वाले ने उठा के रखा था जिस टाइम पे वो बोल रहा था ये इतना हैवी क्यों है। क्या हुआ ऐसा कि उस लेडी ने अपने बच्चे की जान ली। सो होता क्या है, ये जो लेडी है इसका एक हस्बैंड होता है। तुमने अगर अभी तक सोचा है कि इस पूरी स्टोरी में हस्बैंड कहाँ गायब है तो तुमने सही सोचा है, मैंने बचा के रखा था कि मैं तुम्हें यहाँ से सुनाऊंगा स्टोरी।
ओके, सो लेडी का जो हस्बैंड था उसके साथ इस लेडी का डिवोर्स हो चुका था। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई चल रही थी बहुत टाइम से, और जैसे कि इनका एक बच्चा है तो उस बच्चे को लेकर फिर वो लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई। जैसे डिवोर्स केसेस में होता है कि बच्चा माँ के पास रहना है या बाप के पास रहना है, तो अभी जैसे कि वो बच्चा छोटा था तो वो माँ के पास ही रहने का जो डिसीजन था वो कोर्ट ने दिया था। और उसमें एक और डिसीजन था कि बीच बीच में वीक में एक बार मेंशन किया हुआ है कि वीक में एक बार फादर को जो है अपने चाइल्ड से मिलने का अलाउ किया जाएगा। बट जो उसकी माँ थी वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि उसके बच्चे से उसका बाप ना मिले। अब जिस दिन उस फादर को अपने बच्चे से मिलना था वो दिन फिर से आने वाला था, लेकिन उससे पहले वो लेडी गोवा आके स्टे कर रही थी। अब पता नहीं सूचना सेठ के दिमाग के अंदर क्या चीजें चल रही थी, क्या था कि सिर्फ इतनी सी चीज को लेके कि उसको अपने बाप से नहीं मिलाना उस बच्चे को, उस चीज को लेकर उसने उस बच्चे की ही जान ले ली। तो जो दिमागी डॉक्टर होते हैं उन लोगों के काफी सारे वीडियोज इस टाइम पे बाहर न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि वो मेंटली ठीक नहीं थी, जो कि मुझे भी सारी चीजें सुनने के बाद लगा कि हाँ भाई मेंटली तो ठीक होगी ही नहीं, तभी तो अपने बच्चे की जान ले ली। जो मेंटली ठीक होगा वो अपने बच्चे को क्यों उसे परेशान नहीं होने देगा यार। जब बच्चा रोता है तब माँ परेशान हो जाती है, तबीयत खराब होती है बच्चे की, किसी की, छोटे बच्चे की खासकर, तो मम्मी लोग कितने परेशान हो जाते हैं। और उसने तो अपने बेटे की जान ले ली है, तो उसके पीछे तो जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें होंगी, वो दिमाग से ठीक नहीं होगी। एंड जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया ना, जब मैं रिसर्च के टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम आईडी पे उसकी जगह विजिट किया तो मैंने वहां के कुछ कमेंट्स पढ़े जो कि सूचना के आसपास के लोगों के या फिर उसके रिलेटेड फ्रेंड्स के लो उनके थे, टॉप कमेंट में दिख जाएंगे वो तुम्हें अगर तुम भी जाके देखोगे तो, कि ये जो लेडी है अपने बच्चे के प्रति काफी ज्यादा केयरिंग थी, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था। एंड वहां पे इन लोगों ने लिख रखा है कि हमें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये ऐसा कर सकती है क्या। ओके, बैक टू द स्टोरी, बाकी है अभी। जब पुलिस वाले और कैब वाले की बात चल रही थी तो पुलिस वाले ने कैब वाले से बोला था हम अभी तुम्हें 20 मिनट में फिर से कॉल करेंगे, इस लेडी ने हमें जो अभी एड्रेस बताया है कि वहां पे इसका बेटा है जो रिलेटिव है उनके घर पे ही इसने छोड़ा है, हम वो सब वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद हम फिर से तुम्हें कॉल करेंगे। देन पुलिस ने बिल्कुल वैसा ही किया, एड्रेस उसने गलत बताया था, उसके कोई रिलेटिव रहते नहीं थे गोवा में। सो पुलिस ने कैब वाले को फिर से कॉल की और अभी तक जितनी भी बात चल रही थी कैब वाले की और उस लेडी की वो हिंदी एंड इंग्लिश में चल रही थी, बट उन लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी शुरू करी फिर पुलिस ने और कैब ड्राइवर ने। पुलिस और कैब ड्राइवर की जो बात हुई उसमें ये कहा गया, पुलिस वाले ने कैब वाले को बोला कि तुम्हारे पास का जो भी तुम्हें पुलिस स्टेशन दिखे वहां अपनी जाके गाड़ी रोक दो, वहां तुम्हें लोग मिलेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, लेडी की तलाशी लेंगे, इसके सामान की तलाशी लेंगे, एंड तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है। मतलब उन्होंने ऐसा इसलिए बोला होगा ना कि ये भाग भाग नहीं जाए, डर जाए, घबरा जाए, ये भाग गया तो वो लेडी भी बच जाएगी फिर तो। बट कैब वाला भाई बढ़िया बंदा था यार, ही इज अ गुड गाय, एकदम इंटेलिजेंट एंड जेन्युइन गाय, उसके इंटरव्यू देखे मैंने तो मैं आपको ये बता पा रहा हूं। सो उसने बिल्कुल वैसे ही किया, बीच में एक जगह पे गाड़ी रोकी भी कि मैम मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, देन उस टाइम पे उसने अपना दिमाग चलाया, पास में उसे एक सिक्योरिटी गार्ड दिखता है, उससे वो पूछता है कि पास में पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, तो बताता है कि थोड़ा ही आगे चल के 500 मीटर दूर पे जाओगे तो मैं पुलिस स्टेशन मिल जाएगा। उससे वो पूछता है कि अच्छा है या फिर छोटा मोटा ऐसे ही है, कहता नहीं बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है, जाओ नहीं मतलब कि मैंने ऐसे ही कह दिया जाओ कि बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है तुम वहां पे जा सकते हो। एंड इसके बीच में पूरे रास्ते में वो हाईवे पे जा रहा था तो उसे कहीं दिखा नहीं, बट वो देखता हुआ आ रहा था कि पुलिस स्टेशन कहीं मिले। जब उसने सिक्योरिटी गार्ड ने बता दिया थोड़ा ही आगे है तो उसने बिल्कुल वैसे ही किया, उसने सीधे पुलिस स्टेशन के आगे ले जाके अपनी गाड़ी रोक दी। देन वो लेडी पूछती है कि यहाँ क्यों रुके हम, एंड भाई ये जो चीजें हैं कैब वाले ने खुद बताई कि उसने बहुत ही नेचुरली पूछा, वरना कोई और होता तो वो घबरा जाता, लेकिन नहीं उसने एकदम नेचुरली क्यों रोकी है यहाँ। तो उसने बताया कि मैम जैसे कि मुझे अभी कॉल वगैरह है तो मुझे थोड़े क्वेश्चन एंड वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है पुलिस वालों ने, मैं जरा होके आता हूँ स्टेशन के अंदर से। जिस पुलिस वाले से उसकी बात हो रही थी वो पुलिस वाला उधर से बोलता है कि हमें जिस भी पुलिस स्टेशन गए वहां पे बात कराओ, उन लोगों की बात होती है 5-10 मिनट, देन उस लेडी की तलाशी होती है, उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, फिर उसको उठा के वो पूछते हैं कि ये अपना ये खोलो, बैग खोलो, वो बैग बिल्कुल वैसे ही खोलती है, तो बैग खोलने के बाद जो ऊपर कपड़ों की लेयर होती है उसे दिखाती है कि देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ कपड़े हैं। ये इसकी टोन थी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम की कुछ नहीं है अभी तक, वो घबरा ही नहीं एकदम भी। देन पुलिस वाले अपने खुद से चेक करते हैं और जब वो चेक करते हैं तो उन कपड़ों के नीचे उसके बेटे की लाश होती है, और जिसे देख के सब परेशान हो जाते हैं। कैब ड्राइवर ने बोला कि मेरा भी दिमाग घूम गया था ये देखने के बाद कि ये कैसे हो सकता है, मुझे मतलब शक था कि इसमें कुछ अजीब चीज है, बट ये नहीं था कि इसके अंदर किसी की डेड बॉडी होगी। तो इस चीज के बाद भी उस लेडी का कुछ खास रिएक्शन था नहीं, उसको वो फिर पुलिस स्टेशन लेके गए। आगे की स्टोरी तुमने न्यूज वगैरह में सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तुम सुन सकते हो इंटरेस्टेड हो तो। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है, ये जो सारी अभी तुम्हें स्टोरी बताई गई है ये उस लेडी ने बताई है, अब सच है या नहीं है इसे मैं नहीं कह सकता, मेरा काम तो तुम्हें सुनाना, मैंने तुम्हें सुनाई। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। पिछली एक स्टोरी है अभिषेक मलिक की, वो जाके भी तुम सुन सकते हो, हमने अभी 4-5 दिन पहले ही पोस्ट की थी,
वो भी तुम्हें पसंद आएगी। बाय।